कलश यात्रा के साथ में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ। आत्मदेव ने कहा अब ये चौथे चरण में पुत्र हुआ है और ये मेरा अपमान करता है। तिरस्कार जब तक कभी कोई एकांत में कर रहा हो तो व्यक्ति सह लेता है, लेकिन जिस दिन आपका लड़का अपनी बहू के सामने आपका तिरस्कार करने लगेगा, जिस दिन आपके पड़ोसियों के साथ मिलकर आपकी संतति आपका उपहास करेंगी, उस दिन आपको लगेगा कि हमने कौन सा बीज बोया था, ये कैसा फल दे रहा है, ये कैसा वृक्ष बड़ा हुआ, इसमें कौन सा खाद पानी हमने दिया था। तो खाद पानी तो आपने ही दिया है, आपने ही उसके हाथ में मोबाइल दिया है। जिसका बर्तन है वही साफ करेगा। जिसने मेरा नाम बसंत कुमार वाजपेयी है। एक दिन गुरुजी हमारे यहाँ आए, उन्होंने हमसे चर्चा की, उन्होंने बताया आपके मकान का नाम कौस्तुभम है, इसको आप कौस्तुभ कर दीजिए। दूसरा कुछ भी बोल रहा है कौस्तुभम, तो वो अपनी कौस्तुभ करने से भगवान कृष्ण के मणि का नाम है अच्छा रहे। क्रम से उन्होंने उनसे और चर्चा की, वो संस्कृत के प्रोफेसर है और कई जगह उनके आख्यान शिव पुराण बहुत ज्ञानी है और अलंकार होती रहती है। अलम करोति इति अलंकारः, अलम निर्मेश त्रिपाठी है और संस्थाचार्य संस्था के विद्वान है, यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर। तो उन्हीं के आग्रह के लिए हमने सोचा कि अगहन माह में भगवान का प्रिय मंत्र है, भगवान कृष्ण ने बोला बहनों में मैं अगहन हूँ, तो ये उनका मंत्र है। और आज पंचमी तिथि है, पिता को और पंचमी तिथि तो बड़े शुभ मुहूर्त है। उनके चर्चा करके आगे चलकर आज से शुरू किए हैं और ये 4 दिसंबर तक चलेंगे। क्या संदेश देना चाहेंगे युवा वर्ग को, क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, युवा वर्ग को? समाज को मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें हमेशा धर्म मार्ग पर चलना चाहिए, अपने लोगों को ऐसा मानना चाहिए और धर्म को लेके चलना चाहिए। हमेशा आप सवेरे उठो, भगवान को याद करो, भगवान की प्रार्थना करो, खुद दिन भर अपने कर्म करो, शाम को सोते समय फिर एक बार भगवान से दुआ करो और आपको जो कुछ अच्छा हुआ उसके लिए धन्यवाद। मेरा नाम बता दी दोबारा। मेरा नाम बसंत कुमार, मैं यहाँ मेला एमरजेंसी में रहता हूँ।